हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्लाउज की कटिंग। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, वो भी आज हम पेपर पे बताएंगे ब्लाउज की कटिंग। पहले पेपर पे बनाएंगे, फिर ब्लाउज काटेंगे, वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। पेपर पे हम इसलिए काटते हैं जिससे हमारा कपड़ा कटिंग ना हो। और ब्लाउज की कटिंग करेंगे हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेपर है, हमारे ब्लाउज की लंबाई हो रही है 14। देखिए ये हमारा 14 पे निशान लगा लिया है, ब्लाउज की लंबाई की 14 है। इसके लिए आओ और हमारी फिटिंग हो रही है 9.5। 9.5 फिटिंग हो रही है और हमें बनाना है बेल्ट वाला ब्लाउज, इसलिए हम इसका इतना मार्जिन लेंगे। देखिए अब हम कर रहे हैं अपनी कटिंग। इसको हम कट कर ले रहे हैं। ये फालतू कपड़ा है, इसे हम हटा दे रहे हैं। ये फालतू पेपर है, सॉरी। चलिए मैं इस पर बता रही हूँ। देखिए ये हमारा 2.5 इंच का गला है, 2.5 इंच का गला रखेंगे और 3 का हम ये शोल्डर रखेंगे और हम आगे का गला रखेंगे 6.5 का। 6.5 का बिल्कुल फिट रहता है मीडियम साइज में, और ये हारमोल भी हम 6.5 की रखेंगे। चलिए इससे हम सीधा कर लेंगे। सीधा हो रहा है, ये हमारा सीधा हो गया। और इसको हम इसे ऐसे करके शेप दे देंगे, बिल्कुल गोल आ गया। और इसे यहाँ पे भी हम शेप देंगे, नीचे आ गया है। और इसे हम नीचे से पूरा हमारा फिट बना रहे हैं, इसलिए नीचे से हम 3 लेंगे, नीचे से 3 लेंगे। और यहाँ से हम 2 लेंगे, ये हमारा 2 हो गया। अब हम इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे। देखिए ये हमारा सीधा हो गया है यहाँ से। अब इस पर हम डालेंगे प्लेट। देखिए ये हमारा फिटिंग का आ रहा है,
ये हमारा फिटिंग का आ रहा है और हम इस पे देंगे प्लेट, इसे हम कट कर ले रहे हैं। ये हमारा हो गया कट, हम इसे भी इसे कट नहीं करेंगे, चलो कर ले रहे हैं। कटिंग नहीं करेंगे तो इसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे ऐसे कट कर लेंगे। अभी हम प्लेटें बताएंगे, पहले कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा इतना सा बच गया है ना, वो हम इस पर डालेंगे प्लेटें। ये हमारा इतना बचा है चार, अब चार से हम आधी करेंगे तो दो आ रहा है, तो हम एक यहाँ दो पे लगाएंगे प्लेट। और ये हमारा आएगा यहाँ से, इसे हम करेंगे, इसको हम रखेंगे नौ, क्योंकि हमारी फिटिंग आ रही है साढ़े नौ की, तो चलो साढ़े नौ ही हम इसे रखेंगे। साढ़े नौ यहाँ से आ रहा है, इतना बड़ा भी लेते हैं, साढ़े नौ का आधा रखेंगे, पाँच, हम पाँच पे प्लेट डालेंगे। बिल्कुल ये यहाँ से आ रही है एक प्लेट, एक यहाँ से आ रही है, यहाँ से लगाएंगे हम तीन पे, यहाँ से तीन पे लगाएंगे। ये हम पूरी दो की रखेंगे प्लेट, पूरी हमारी दो की फिट रहेगी। और इसे भी यहाँ पे दो ही रखेंगे, और ये हमारा यहाँ पे फिटिंग का निशान आ रहा है, ये फिटिंग का है। और हम इतना इतना मार्जिन लेंगे, इसे हम कट कर रहे हैं। ये हमारा मार्जिन का आ रहा है, और ये हमारी रहेगी प्लेट, यहाँ से रखेंगे, ये रहेगी हमारी फाइव। अब ये रहेगी हमारी ठीक है, इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए होगी सीधी, अब इसे हम इसे इस तरह से करेंगे, और ये हमारी इस तरह से होगी। देखिए ये हमारी प्लेटें हो गई हैं, थोड़ी सी चौड़ी करके प्लेट डालेंगे, चौड़ी से शेप अच्छी आती है। देखिए दोस्तों
इस तरह हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। और ये भी हमारा इतना आ रहा है, इसे भी हम कट कर देंगे। देखिए, इसलिए हमने इस पे बताया है, इससे हमारा कपड़ा ख़राब नहीं होगा और जो पहली बार बनाएंगे वो अच्छे से बना लेंगे। पहले पेपर पे कटिंग कर लें, इसके बाद कपड़े पे कटिंग करें, बिल्कुल अच्छा सा बनेगा शेप ब्लाउज। बस आज के लिए इतना ही, बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो ज़रूर ही करना। अच्छी लगे या ख़राब लगे शेयर भी कर देना। बाय बाय।